हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो पहला चैप्टर था ट्वेल्थ का वो कौन सा था आपका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फ्लावर्स जो है सेक्सुअली या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो ये चैप्टर जो है आपका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है हमको वो क्या पढ़नी है, सबसे पहले कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, उसके बाद हम लोगों को देखना है कि कैसे जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो काम करता है। ओके, और जो है फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फ्लावर का डिफिनीशन से। सबसे पहले अगर कोई पूछे आपसे फ्लावर्स क्या है, ओके, तो फ्लावर्स क्या है, एक सिंपल सा डिफिनेशन है इनका। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स आर, यहां पर लिख लेंगे हम लोग, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियो लॉजिकली। ओके, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल की तरीके से काम करते हैं एंड साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मींस फ्लावर वो प्लांट का पार्ट है जिसके पास क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स या सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वहां पे। अब हम लोग देखते हैं फ्लावर्स को, या दूसरा अगर एक और हम टर्म बोलें कि जो है फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट। क्या है फ्लावर्स, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट, या हम लोग बोल सकते हैं फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस शूट। ठीक है, अब देखेंगे स्टार्टिंग में फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखेंगे, शूट अपेक्स होगा, जब डेवलपमेंटल स्टार्ट करेंगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ्लावर बनता है, शूट अपेक्स होगा। यहां पर कुछ हार्मोनल जो एक्शंस होंगे तो हार्मोन्स क्या करेंगे, हार्मोन्स इंड्यूसेस फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो हार्मोन्स क्या करेंगे, हार्मोन्स इंड्यूसेस स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑन शूट अपेक्स, यानी कि हार्मोन्स निकलेंगे और उन हार्मोन्स की वजह से क्या होगा, जो फ्लावर जो शूट अपेक्स होगा उसमें कुछ स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। अब ये शूट अपेक्स होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, इनफ्लोरिसेंस में। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देन इट विल बिकम ट्रांसफॉर्म्स, किसमें बेटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इनफ्लोरिसेंस में।
ओके। और इनफ्लोरिसेंस बनने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे एक फ्लोरल जो प्राइमोर्डिया डेवलप्ड होगा, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इनफ्लोरिसेंस के बाद यहां पर क्या होगा, फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप्ड। और इस फ्लोरल प्राइमोर्डिया के डेवलपमेंट होने के बाद हम लोग देखेंगे वहां पे क्या बनेगी, कुछ फ्लोरल बड्स बन जाएंगी। यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल बड्स, ओके। और फ्लोरल बड्स बनने के बाद ये अगेन कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, फ्लावर्स में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहां पर सूट एपेक्स से क्या बनना है, फ्लावर बनना है। सबसे पहले क्या हुआ, सूट एपेक्स से हार्मोन कुछ हुए, उन्होंने इंड्यूस कराया, इसमें स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस कराए सूट एपेक्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्म हुआ। ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये इन्फ्लोरिसेंस बनाएगा। इन्फ्लोरिसेंस बनने के बाद हम लोग देखेंगे फ्लोरल प्राइमोर्डिया जो है वहां पर डेवलप हो जाएगा, और फ्लोरल प्राइमोर्डिया डेवलप होने के बाद वहां पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल बड्स, उसमें से क्या बनेगी, फ्लोरल बड्स बन जाएंगी, और उन फ्लोरल बड्स से क्या बनेगा, फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कुछ स्टार्टिंग में हमने देखा कैसे मॉडिफाई हुआ, जो सूट एपेक्स था वो किसमें, फ्लावर में। क्लियर है इतनी बात। अब जो ये फ्लावर होगा ये किसके ऊपर रखा हुआ होगा, थैलेमस के ऊपर रखा हुआ होगा, इसके पास एक थैलेमस होगा। और जो है यहां पर क्या देखने को मिलेगा, इन फ्लावर्स के पास हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाल्स, ओके। तो वाल्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से वाल्स होते हैं और किस तरीके से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं, तो ये सारी चीजें डिस्कस हो गई आपकी। फ्लावर क्या, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वेल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद फ्लावर को हमने क्या बोला कि दे आर मॉडिफाइड कंडेंस सूट, ओके। उसके बाद हमने देखा इनका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है फ्लावर्स का, एक सिंपल सूट एपेक्स के थ्रू। क्लियर है। अब आगे बेटा हम लोग बढ़ते हैं इसमें, और हम लोग क्या देखेंगे, वाल्स कितने तरीके के होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वाल्स, ओके। वाल्स क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो किसमें हेल्प करेंगे, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। एक फ्लावर के पास अगर वाल्स की बात करें तो दो तरीके के होंगे। क्लियर है ना। पहला जो होगा टाइप उसको हम लोग बोलेंगे इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन। क्या बोलेंगे, इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन, और इसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोल देंगे, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे यहां पे, तो कौन कौन से होंगे, सेक्सुअल वाल्व। तो इसमें दो तरीके के होंगे, एक को हम लोग बेटा बोलेंगे स्टैमेन और दूसरा कौन सा होगा स्टेमन के अलावा, दैट इज द स्टेमन के अलावा कौन सा होगा, फीमेल वाला कार्पेल या पिस्टल। क्लियर है। तो दो हमने देखा स्टेमन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द मेल वाल्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द फीमेल पार्ट, ओके। दूसरा नाम इनका क्या हो सकता है स्टेमन का, और एंड्रोसियम, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गायनोसियम। क्लियर है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देख लेंगे स्ट्रक्चर्स किस तरीके से इनको हम लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
अब दूसरा इसका नाम और भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, दे आर द मैक्रो मैक्रोस्पोरोफिल, क्या बोलेंगे इसको, दे आर द मैक्रोस्पोरोफिल, तो यहां पे लिख सकते हैं और मैक्रोस्पोरोफिल, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर द माइक्रोस्पोरोफिल। ओके क्लियर है इतनी बात। तो मेल और फीमेल में देखा हमने दो तरीके से, स्टेमेन एंड कार्पेल्स या पिस्टेल्स। स्टेमेन को और दूसरे नाम से जानते हैं एंड्रूसियम, या हम लोग बोल सकते हैं इनको माइक्रोस्पोरोफिल, और ये गायनोसियम हो गए, या इनको हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्पोरोफिल। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना, माइक्रो मतलब मेल की बात कर रहे हैं, मैक्रो मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब आता है जो दूसरा, ये तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं दोनों पार्ट रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन इसके अलावा जो हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो कौन कौन से पार्ट हैं, वो कौन कौन से वॉल्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो पार्ट है यहाँ पर, ये तो इसेंशियल हो गए, दूसरा वाला होगा वो कैसा होगा, इट इज द एसेसरी और नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, इट इज द एसेसरी, क्या बोलेंगे इसको, एसेसरी और नॉन इसेंशियल फ्लोरल वॉल्स। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम लोग एसेसरी या नॉन जो आपका इसेंशियल वॉल्स है, इसके टाइप्स बात करेंगे। इनके टाइप्स जो हैं वो कितने तरीके के हैं, दो तरीके के हैं। कौन कौन से हैं, पहला हम लोग देखेंगे यहां पर, पहला जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है आपका सेपल्स का कलेक्शन होगा, और दूसरा किसका होगा, पेटल्स का कलेक्शन होगा। सेपल्स के कलेक्शन को हम कैलिक्स बोलेंगे और पेटल्स के कलेक्शन को हम लोग कोरोला बोलेंगे। तो पहले यहां पर लिख लेंगे हम लोग, कलेक्शन ऑफ सेपल्स, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे कलेक्शन ऑफ पेटल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज नोन एज कलेक्शन ऑफ सेपल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द कैलिक्स, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पेटल्स को, इट इज नोन एज द कोरोला, क्या बोलेंगे, कोरोला। तो दोनों कैसे हेल्प करेंगे, कोरोला और जो है आपका जो ये है कैलिक्स, ये जो है पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, है ना, ये अट्रैक्ट के जो है अट्रैक्ट करते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं, उनको ये क्या करते हैं, जो है अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन हमको देखने को मिलता है। क्लियर है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें, इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स और एसेसरी या नॉन इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स। क्लियर है, ये स्टेमेन कार्पेल और यहां पर क्या होगा, सेपल्स एंड पेटल्स। ओके, तो यहां पे एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके देख लेंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं वो कहां पे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द एंथर। जो एंथर है जो आपका, ये किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ स्टेमेन। अब स्टेमेन में दो पार्ट देखने को मिलेगा, एक एंथर ही आगे वाला और दूसरा फिलामेंट। ओके, तो एंथर और फिलामेंट दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द स्टेमेन।
और स्टेमेन हमको पता है ये कैसा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव वाल्व है या एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन में आता है या हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल वाल्व्स में आता है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं यहां पर ये वाला जो ग्रीन से हमने बनाया है इस वाले पार्ट को देखें तो इसमें एक हमको स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। दूसरा जो है ये वाला जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइल। ओके, स्टिग्मा एंड स्टाइल। और उसके बाद जब हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे यहां पर इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो दैट इज द ओवरी। क्लियर है? इन तीनों को मिला के अगर हम लोग देखें तो ये जो है हमारा कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द पिस्टल और कार्पेल। क्लियर है? तो ये कैसा हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया या फीमेल वाल्व हो गया। ये कैसा हो गया? मेल वाल्व हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा। अब ये इनके अलावा अगर हम बात करें जो हमारे एसेसरी या नॉन एसेंशियल फ्लोरल वाल्व्स हैं वो कौन कौन से हैं? ये कौन सा है? सेपल। कौन सा है? सेपल। और ये वाले जो रेड कलर से हमने बनाए हैं वो कौन से हैं? दे आर द पेटल्स। ठीक है, तो दोनों को हम लोग देख लेंगे यहां पर। ठीक है, और जो है कलेक्शन ऑफ पेटल्स क्या कहलाएगा, सारे सबको मिला के अगर बात करें कोरोला, और इनका जो आपका कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज द कैलिक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है डिस्कस कर लिया किस तरीके का फ्लावर में कौन कौन से वर्ल्ड्स होते हैं और उनका अगर हम लोग देखें स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है। ये रिप्रोडक्शन में जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो है आपका पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प करते हैं या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेमेन के बारे में क्या क्या देखेंगे यहाँ पे। स्टेमेन क्या होता है? तो पहला हेडिंग हम लोग डाल लेंगे स्टेमेन। ओके, स्टेमेन को हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो भी आप बोलो इन केस ऑफ प्लांट्स। तो स्टेमेन में स्टार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा नाम स्टेमेन क्या क्या होता है? माइक्रो स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसकी। आइए यहां पर देखते हैं इनका स्ट्रक्चर अगर बात करें कुछ इस तरीके से। एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर, क्लियर है? ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द एंथर। क्या नाम है इसका? एंथर। और नीचे का जो ये पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द फिलामेंट। तो दो पार्ट में स्टेमेन को हमने डिवाइड किया, पहला कौन सा है? एंथर, एंड सेकेंड इज द स्टेमेन। क्लियर है इतना? ये वाला जो एंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द डिजिटल एंड। ठीक है, डिजिटल एंड है। और ये जो एंड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो इसके थ्रू ये फ्लावर से अटैच रहेगा। एंथर की बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक बातें इसके केस में। तो ये कैसा पार्ट है? इट इज द फर्टाइल पार्ट। यहां पर लिख लेंगे हम लोग, ये कैसा पार्ट है? फर्टाइल पार्ट। ये कैसा पार्ट है? इट इज द स्टेराइल। यानी कि जो आपका पॉलन ग्रेन वाला पार्ट है, जो पॉलन ग्रेन बनाएगा वो कौन सा पार्ट है? एंथर वाला पार्ट। ठीक है, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? नोब लाइक होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में ही दिख रहा कैसा स्ट्रक्चर है, नोब लाइक फर्टाइल पार्ट है। क्लियर है? दूसरा क्या होगा? ब्रॉडर होगा, है ना? क्लियर। ये कैसा है? फिलामेंट, स्टेराइल है। और दूसरा कैसा होगा? सिलेंडर शेप का होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक। क्लियर, तो ये अटैच रहेगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे इसको केस में देखें क्या है, बाइलोब्ड एंथर। बाइलोब्ड एंथर का मतलब क्या है? बाई मतलब दो, लोब है ना। तो ऐसे एंथर जिनमें कितने लोब हों, दो लोब हों, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द बाइलोब्ड एंथर। क्लियर है? बाइलोब्ड एंथर जो होंगे वो सेपरेट होंगे,
है ना, यहां पर हम लोग देखेंगे सेपरेट रहेंगे दोनों जो लोब होंगे, सेपरेटेड। कैसे सेपरेट होंगे? तो यहां पे क्या होगा, एंटेयरली अगर हम लोग देखें यहां पर ये क्या रहेंगे, दोनों सेपरेटेड हमको दिखेंगे बाहर से ऐसे इस तरीके से। ओके, तो यहां पर लिख लेंगे बाइलोब्ड एंथर सेपरेटेड एंटेरियरली, ओके, बाय अ डीप ग्रूव। तो एक बड़ा सा ग्रूव होगा, उसके थ्रू ये क्या होंगे आपस में दिखेगा बाहर से कि ये क्या है, दे आर द सेपरेटेड। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात, एंटेरियरली तो हमको देख दिख रहे हैं कि ये सेपरेट, लेकिन अगर हम बात करें जो है बैक साइड में, तो बैक साइड में ये क्या रहेंगे, इसके पीछे की तरफ, वो क्या हमको दिखेंगे, दे आर अटैच। तो हम लोग लिख सकते ऐसे बोल सकते हैं, बट अटैच टू ईच अदर ऑन द बैक साइड बाई अ स्टेराइल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखोगे आगे से तो सेपरेटेड दिखेंगे, बट ऑन बैक साइड दे आर अटैच्ड बाय अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ओके, और उस पैरेन्काइमेटस टिश्यू में हमको देखने को क्या मिलेगा, कुछ वहां पर वैस्कुलर स्ट्रैंड्स होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर स्ट्रैंड। ओके, तो अभी डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो वहां पर भी देखने को हमको मिलेगा, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपका कि वैस्कुलर स्टैंड्स वगैरह कहां पर, उसका जब हम सेक्शन कट करेंगे तो वहां पे सारी चीजें हमको क्रिस्टल क्लियर दिखेंगी। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं, एंथर जो होगा फर्टाइल पार्ट ऑफ जो है आपका स्टेमेन का होगा, नोब लाइक होगा, बाइलोब्ड होगा, बॉर्डर होगा, ब्रॉडर होगा। बाइलोब्ड एंथर में दो लोब होंगे, सेपरेटेड होंगे एंटेरली बाई अ डीप ग्रूव, एक डीप ग्रूव के थ्रू, बट ऑन द बैक साइड दे आर अटैच बाई अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। लेकिन बैक साइड में अगर देखें तो आपस में वो क्या एक दूसरे से अटैच रहते हैं जो दोनों लोब होंगे, और वो क्या करेंगे, एक वहां पर टिश्यू होगा जिसको याद रखना है हमें, वो कौन सा है, पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा लाइक सेल्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो वहां पर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, वो क्या करेंगे उसको कनेक्ट करते हैं, या इसको कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं हम लोग इनके केस में। और वहां पे एक और होगा जो बीचों बीच में स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैस्कुलर स्ट्रैंड। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा, जब दो लोब हैं, है ना, दो लोब हैं, तो इसमें क्या होगा, हम लोग अगर बात करें लोब के बाद में, दो लोब के पास कितने चैंबर्स होंगे, तो एक लोब के पास यहां पर देखेंगे हम लोग, वन लोब कंटेन टू चैंबर्स, तो यहां पर दो लोब्स कितने चैंबर हो जाएंगे, फोर चैंबर्स, कितने हो जाएंगे, फोर चैंबर्स। तो बाइलोब्ड हमेशा जो आपके एंथर होंगे वो कितने होंगे, फोर चैंबर्ड होंगे, और फोर जो जो आपके जो ये चैंबर्स हैं इनके केस में अगर बात करें हम लोग, तो ईच चैंबर या ईच लोब कंटेन टू सिलेंड्रिकल पोलन सैक। ठीक है, इनके केस में क्या होगा, इसको हम कट करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं अगला पॉइंट, ईच लोब कंटेन टू पोलन सैक। ये इंपॉर्टेंट बात है, पोलन सैक एक नया वर्ड आया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरे नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या होगा, पोलन सैक क्या, इट इज नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, तो बाइलोब्ड एंथर में जो है कितने जो है आपके चैंबर्स होंगे, फोर चैंबर्स होंगे, लोब कितने होंगे, दो लोब होंगे, और एक लोब के पास अगर हम लोग देखें यहां पर क्या होगा, दो पोलन सैक होंगे या दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। क्लियर है?
इस वजह से बाइलोब्ड है, तो एक के पास क्या है, दो है, तो दो के पास कितना हो जाएगा, चार। तो इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, एक बेसिक अगर देखें एक वर्ड यूज किया जाता है, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, टेट्रा स्पोरेंजियम। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, कैसे जो है आपके होंगे स्ट्रक्चर्स, टेट्रा स्पोरेंजिएट होंगे, यानी कि कितने पोलन सैक होंगे उसमें, चार पोलन सैक होंगे, कितने पोलन सैक होंगे, चार पोलन सैक होंगे, क्लियर। अब कुछ इनके एक्सेप्शंस भी हैं, तो इसी का एक्सेप्शंस में हम लोग देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। एक्सेप्शंस में पहला जो है हम लोग याद रखेंगे वोल्फिया, क्या है, वोल्फिया। वोल्फिया में हम लोग देखेंगे एक लोब है और एक लोब के पास एक स्पोरेंजियम है, तो यहां पर क्या होगा, अगर हम लोग बात करें दो लोब हैं, है ना, तो टोटल लोब अगर देखें यहां पे कितने हैं, टू लोब, और टू लोब्स में क्या हम लोग देखेंगे कितने जो है आपके स्पोरेंजियम होंगे या माइक्रोस्पोर कितने होंगे आपके, दो। तो यहां पर लिख लेंगे दो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो एक एग्जांपल है वोल्फिया जिसमें दो लोब्स प्रेजेंट हैं और दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं। दूसरा एग्जांपल जो है वो है आपका आर्चियूथोबियम, क्या नाम है इसका, आर्चियूथोबियम। तो इसमें हम लोग देखेंगे केवल क्या होगा, एक जो है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होगा और एक ही एंथर होगा, ठीक है, है ना। तो हर एक एंथर में कितना होगा, यहां पर एक माइक्रो स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, ठीक है। तो यहां पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं कि टेट्रा स्पोरेंजिएट टाइप के होंगे, यहां पे केवल क्या है, एक, यहां पे कितने हैं, दो माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, जो अगर हम सेक्शन कट करें इसका, तो कुछ इस तरीके का टेट्रास्पोरेंजिएट वाला स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा, बुक्स में भी आप लोगों ने बना हुआ देखा होगा, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो एक बाहर की तरफ लेयर होगी, सब में मैं नहीं बना रहा हूं, केवल एक चैम्बर में बनाया दे रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, क्लियर है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बाहर की तरफ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द एपिडर्मिस, इसका नाम क्या होगा, एपिडर्मिस, है ना। हमने एक सेक्शन कट किया और उसको अब हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे बाहर की लेयर जो है वो हमारी कौन सी है, दैट इज द एपिडर्मिस। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो लेयर यहां पर आएगा, जो रेड से हम लोग दिखा रहे हैं, इसको क्या बोल देंगे, एंडोथीसियम, क्या बोल देंगे, एंडोथीसियम, ठीक है। तो एपिडर्मिस हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, एंडोथीसियम हो गया। अब अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर भी हमको दो से तीन लेयर्स देखने को मिलेंगी, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर, ठीक है। तो तीन लेयर हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का नंबर हम लोग देखेंगे दो से तीन लेयर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद जब अंदर की तरफ बढ़ेंगे मिडिल लेयर के बाद में, तो अंदर की तरफ जो सेल्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द टेपेटम। तो यहां पे ऐसे बना लेंगे हम लोग एक ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेपटम, ठीक है। और टेपटम के बाद जब अंदर की तरफ जाएंगे तो यहां पे जो
सेल्स होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द स्पोरोजेनस सेल्स, यानी कि इनसे क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो बाहर से हमने देखा एपिडर्मिस, उसके बाद हम लोगों ने देखा एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर 2-3 नंबर्स होगा, फिर टैप्टम, उसके बाद में आपका स्पोरोजेनस सेल्स। क्लियर है? अब जो है आपका, अगर बात करें स्पोरोजेनस सेल्स की, तो स्पोरोजेनस सेल्स क्या करेंगी, दे फॉर्म द स्पोर्स। क्लियर है? तो ये एक सेक्शन हमने कट करके दिखाया है, एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ लेयर है, एंडोडर्मिस मिडिल लेयर, टैप्टम एंड स्पोरोजेनस सेल्स। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट हम लोग कुछ स्पेसिफिक बातें उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पे जो है सेल्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, उनके उनका क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले एक बात याद रखने आप लोग कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके का है। तो डेवलपमेंट हमेशा यहाँ पर याद रखना, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उनका डेवलपमेंट बात कर रहे हैं हम लोग, वो कैसा होगा, यू स्पोरेंजिएट, कैसा होगा, यू स्पोरेंजिएट। ठीक है? तो डेवलपमेंट जो होगा वहां पे हमको देखने को मिलेगा यू स्पोरेंजिएट टाइप का है। ठीक है? अब कैसे बनता है इसका, क्या क्या कैसे किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, आर्किस्पोरियल सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स होंगी, आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड करेंगी पेरिक्लिनली। ठीक है? चारों तरफ से। और देखने को हमको क्या मिलेगा, उसके बाद जब डिवीजन होगा, ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल्स दो तरीके की सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी, एक आउटर सेल्स होंगी और दूसरी कैसी होंगी, इनर सेल्स। ठीक है? आउटर एंड इनर सेल्स। आउटर सेल्स जो होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरे नाम से जानते हैं, आउटर सेल्स और आउटर सब इपिडर्मल पैराइटल सेल्स, और आउटर सब इपिडर्मल पैराइटल सेल्स। ठीक है? कैसी हैं, सब इपिडर्मल पेराइटल सेल्स। क्लियर है? तो इसके बाद में दूसरा जो था आपका इनर सेल्स जो होगी वो कौन सी सेल्स होंगी, इनर सेल्स, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोजेनस सेल्स। तो ये क्या करेंगी, स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। अब इनके केस में देखेंगे कितने तरीके के होंगी, ये फिर से डिवाइड करेंगी, और यहां पर डिविजन होने के बाद कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की सेल्स बनेंगी, लेयर बनेंगी। तो पहला जो होगा वो हमें पता है, पहला जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोले, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के बाद दूसरा जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम के बाद हमने देखा था वहां पर क्या था, मिडिल लेयर। ओके? और उसके बाद में एक और लेयर था, वो कौन सा था, टैप्टम। क्लियर? इतनी लेयर्स हमको देखने को मिलेंगी। तो इपिडर्मिस बाहर से, एंडोथीसियम उसके बाद में। तो एंडोथीसियम में एक बात यहां पर और हमको याद रखनी, वो क्या है, यहां पर ये क्या करेगी, डेवलप द फाइबरस स्ट्रक्चर। कुछ एक ऐसे फाइबरस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और वो कैसे होंगे, जो थिकनिंग मेंटेन करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे अल्फा सेलुलोज, है ना। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फाइबरस टिश्यूज। किसके बने होते हैं ये फाइबरस स्ट्रक्चर जो होते हैं, अल्फा सेलुलोज। ठीक है? किसके बने होते हैं, अल्फा सेलुलोज। ठीक है? उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, इनका डेथ हो जाएगा। ठीक है? डेड हो जाते हैं ये। मिडिल लेयर फिर हम बोल रहे हैं कि 2-3 लेयर होंगी इनके बीच में, पिछले डायग्राम में हम लोगों ने देखा भी था। टैप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। टैप्टम का रोल क्या है,
तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन कौन, नरिशमेंट कौन देगा, टेप्टम देगा। टेप्टम में भी दो तरीके की सेल्स होंगी, वो आपको याद रखनी है। पहली जो सेल्स होंगी उनको हम लोग बोलेंगे दे आर द अमीबॉइडल सेल्स, और दूसरी जो होंगी उनको हम लोग बोलेंगे सिक्रेटरी सेल्स। तो यहां पर लिख लेंगे अमीबॉइडल सेल्स, और दूसरी कैसी होंगी, सिक्रेटरी सेल्स। क्लियर है, इनके दोनों के अलग अलग रोल हैं, वो आप लोग चाहो तो यहीं पे लिख लो। अमीबॉइडल सेल्स जो होंगी उनका क्या रोल है, और जो आपके सिक्रेटरी सेल्स हैं उनका क्या रोल है। तो सिक्रेटरी सेल्स जो होंगी वो क्या करेंगी, कुछ ग्लैंडुलर जो है सेल्स होंगी उनके पास, और वो क्या करेंगी, दे रिलीजेस द सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करेंगी जिनकी वजह से क्या होगा, जो है आपका जो स्पोरोजिनस सेल्स होंगी उनको नरिशमेंट मिलता रहेगा। ठीक है, क्या होगा, सिक्रेटरी सेल्स क्या रिलीज करेंगी, वो कुछ ऐसा ग्रेन्यूल्स जो है रिलीज करती रहेंगी, और जो ग्रेन्यूल्स रिलीज करेंगी उन्हीं की वजह से क्या होगा, जो सबस्टेंस रिलीज किया जा रहा है उन्हीं की वजह से क्या होगा, सेल का ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होगा। तो ये इनका इंपॉर्टेंस क्या है, सेल की ग्रोथ, तो यहां पर लिख लेंगे सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसके सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स। अमीबॉइडल सेल्स की तरफ जाते हैं, अमीबॉइडल सेल्स क्या करेंगी, ये टोटली अगर हम लोग देखें तो ये क्या करेंगी, दे प्रोवाइड द नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी स्पोरोजिनस सेल्स को, या जो इनर सेल्स हैं, जो इनर साइड पे सेल्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हम लोग देख रहे थे, यूस्पोरेंजिएट जो टाइप का, जो आपका ये पोलन सैक वगैरह में जब हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन तरीके की सेल्स हैं वहाँ पर जो आर्किस्पोरियल टाइप ऑफ सेल्स से बनी हुई, तो आउटर सेल्स और इनर सेल्स। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब कुछ बातें आती हैं, कुछ चीज़ें और डिस्कस करनी रहती हैं हमको, वो कौन सी हैं कि जो ये आपका है इपिडर्मिस, और जो है आपका एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, चार लेयर हमने देखी, इनका रोल क्या, तो ये क्या करेंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। आप याद रखिएगा, क्या प्रोवाइड करेंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, आउटर लेयर बनाएंगी और डिहिसेंस में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में कि जो आपका टेप्टम है उसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो टेप्टम के कुछ फंक्शन हैं, उनको यहीं पे मैं मेंशन किए दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, फंक्शन ऑफ टेप्टम। पहला रोल इनका क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे नरिशमेंट प्रोवाइडेड टू MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, तो उनको क्या करेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, या किसको, पॉलन ग्रेन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहां पर भी हमने बताया था। दूसरा, इसके बाद में क्या होगा, यहां पर ये कुछ ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं, उनको बोलते हैं यूबिस ग्रेन्यूल्स, और यूबिस ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, वो क्या करते हैं, लिपिड रिच होते हैं, और उनके पास क्या होगा, दे कंटेन द स्पोरोपोलिन। क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन द स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो क्या करता है, जो है आपका एग्जाइन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे ये क्या होगा, फैटी एसिड रिच होगा, FA मतलब फैटी एसिड रिच होगा। दूसरा क्या होगा इसके पास, स्पोरो पॉलिनिन। ठीक है, स्पोरो पॉलिनिन क्या करेगा, हेल्प इन एग्जाइन फॉर्मेशन, तो एग्जाइन के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करेगा। क्लियर है। उसके बाद आते हैं कुछ और इनके इंपॉर्टेंट रोल हैं, एक और जो है यहां पर देखने को मिलेगा हमको, रिलीज पॉलन किट। क्या रिलीज करेगा, पॉलन किट। पॉलन किट क्या है, ये प्रोटीन रिच
कंपोनेंट होता है ना, जो है जो किसके केस में दिखेगा हमें, यहां पर लिख लेंगे हम लोग प्रोटीन रिच, है ना। तो आपने देखा होगा कुछ येलोइश पार्ट होता है, जैसे आपका जो है मस्टर्ड वगैरह के प्लांट में जब वो पॉलिनेशन कर चुके होते हैं फ्लावर्स, अगर हम देखें तो उसमें येलो येलो टाइप का एंथर के पास दिखता है, तो वो क्या है, पॉलन किट है, ठीक है। उसमें पॉलन किट का रोल क्या हो जाता है, तो ये रोल प्ले करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी में, कॉम्पेटिबिलिटी मतलब जो आपका स्पीसीज कॉम्पेटिबिलिटी होता है ना, उसमें हेल्प करते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये मोटे मोटे इसके जो है वो हो गए, फंक्शन हो गए टेप्टम के। एक और फंक्शन लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द कैलोज, कैलोजेस, ठीक है। कैलोजेस क्या है, ये एंजाइम्स हैं, कैलोजेस क्या है, एंजाइम्स हैं जो क्या करेंगे, जो आपका डिग्रेड कैलोज वॉल को डिग्रेड करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेंगी टेप्टम के केस में, और टेप्टम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो कौन सा है आपका, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम लोग क्या देखेंगे, शुरुआत में हमने एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था आप लोगों के सामने, ये हमने देखा था यहाँ पे इपिडर्मिस था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था और लेयर्स थी एंडोथीसियम, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ मिडिल लेयर्स थी, है ना, मिडिल सेल्स, है ना, रफली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हमने बताया था कि टेप्टम है, और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था क्या है, स्पोरोजेनस सेल्स हैं, है ना, क्लियर है। इस तरीके का स्ट्रक्चर पीछे हमने बनाया था, तो उसको आप लोग देख लेना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ पर, जहाँ पर स्पोरोजेनस सेल्स हैं, ठीक है, इसके पास आते हैं। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक बोलेंगे इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम, क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजियम, और हम लोग इसको क्या बोल देंगे, पॉलन सैक, क्लियर है। इनके पास क्या होगा, माइक्रो स्पोरेंजियम या पॉलन सैक के पास ये फिल्ड होंगे, यहां पर लिख लेंगे फिल्ड विद द, किससे फिल्ड होंगे, क्या इसके अंदर प्रेजेंट था, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, यहां पे क्या होगा, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब स्पोरोजेनस टिश्यूज जो यहां पर प्रेजेंट था, इसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहां पर लिख लेंगे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म होके ये क्या करेगा, इट फॉर्म द, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करेगा, इट फॉर्म द माइक्रो स्पोर, और माइक्रो स्पोर, और हम लोग क्या बोलेंगे, पीएमसी, पीएमसी बोले तो पोलन मदर सेल्स, ठीक है। तो क्या बनाएगा, माइक्रो स्पोर या पोलन मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। इनका स्ट्रक्चर अगर देखें, ये कैसी होंगी, डिप्लॉइड इन नेचर, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी कि दो सेट क्रोमोजोम्स के यहां पर प्रेजेंट होंगे, तो ये कैसे होंगे, दे आर द डिप्लॉइड इन स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्पोर जो मदर, जो माइक्रोस्पोर या पोलन मदर सेल्स हैं, इनमें क्या हमको देखने को मिलेगा, ये डेवलप करेंगी, क्या बना लेंगी, एमएमसी, एमएमसी बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, लिख लो यहां पे आप लोग, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्लियर है। अब एमएमसी जो होंगी वो क्या करेंगी, इंटरनली यहां पे हमको देखने को मिलेगा, इंटरनली एमएमसी के पास, अभी सब आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरनली यहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ
के बीच में उन कनेक्शंस को ब्रेक कर देगा। क्लियर है? फिर से मैं बताया दे रहा हूं, यहां पर पीएमसी क्या होंगी, एमएमसी में डेवलप होंगी, और एमएमसी क्या करेंगी, इंटरनली यहां पर प्रेजेंस क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कैलोज, सॉरी यहां पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कैलोज। ठीक है, और वो कैलोज क्या करेगा, वो प्लाज्मोडियल कनेक्शंस जो है एमएमसी के उनको तोड़ देगा। जब उनको तोड़ेगा तो क्या होगा, वहां पर जो है वो सेल्स क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी, एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आगे देखेंगे, आगे लिख लेंगे, मदर सेल्स सेपरेटेड सारी मदर सेल्स जो थी वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब इनमें क्या होगा, अगली बार हम लोगों को यहां देखने को मिलेगा मियोसिस, और मियोसिस में हमको पता है यहां पर क्या बनेगा, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्लियर है? और इन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखेंगे, क्या बोल देंगे मियोसिस के बाद में, दे आर द टेट्राड माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे, दे आर द, ऐसे बना सकते हैं हम लोग, टेट्राड इनको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राड माइक्रोस्पोर। क्लियर है? ठीक है, तो टेट्राड जो माइक्रोस्पोर होंगे, या इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके, इनमें हमको क्या देखने को मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर है क्या, दे आर द पॉलन ग्रेन, और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर आल्सो नोन एज द माइक्रो स्पोर। क्लियर है इतनी बात? यही पॉलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर जो है एक ही बात है। ठीक है, तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट जो था, यहां पर मदर सेल्स से मियोसिस हुआ, मियोसिस के थ्रू क्या हुआ, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या हैप्लॉइड सेट्स के जो होंगे टेट्राड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, चार स्ट्रक्चर बनेंगे, चार सेल्स होंगी ये, और इनको हम लोग क्या बोल देंगे, दे आर द पॉलन ग्रेन्स। अब दूसरा क्या होगा, ये ग्रो करेंगे, और ग्रो करने के बाद क्या होंगे जो है ये सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पर आगे हम लोग लिख लेंगे, ग्रो एंड गेट सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेट होने के बाद ये क्या होंगे, चार माइक्रोस्पोर बना लेंगे। ये क्या बनाएंगे, दे फॉर्म द फोर माइक्रोस्पोर, और क्या बना सकते हैं इनको, या हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब ये पॉलन ग्रेन्स तो चार बनते हैं, एक बार मियोसिस हुआ चार बने, लेकिन कुछ स्पेशल केस भी हैं वो हमको याद रखने हैं। स्पेशल केस में यहां पर एक्सेप्शंस में मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, स्पेशल केस इसमें क्या है, एक फैमिली है जिसका नाम है साइप्रेसी। ठीक है, साइप्रेसी में हम लोग देखेंगे यहां पर क्या होगा, एक मियोसिस में एक बार मियोसिस होगी, और यहां पर केवल क्या होगा, एक पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस जो होगा वो फंक्शनल होगा, बाकी तीन बेकार हो जाएंगे। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पर एक मियोसिस होगा और क्या, एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो इसको याद रखना आप लोग, साइप्रेसी को। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद में देखेंगे कि जो आपका ये पॉलन ग्रेन जो बन गया, इसको ऐसे इस तरीके से यहां पर बना सकते हो आप लोग, ये हमने मान लिया ये पॉलन ग्रेन है कोई। ठीक है, पॉलन ग्रेन बनने के बाद अगर हम लोग देखें यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो इनके ऊपर क्या होगा, एक लेयर डेवलप होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोडर्म। क्या बोलेंगे, स्पोरोडर्म। ठीक है, और स्पोरोडर्म में हम लोग देखेंगे वहां पर क्या होगा आपका, इंटाइन एंड एक्साइन। तो यहां पे दो पार्ट होंगे, और इसके एक होगा एक्साइन और दूसरा इंटाइन। तो एक्साइन बाहर की तरफ होगा और इंटाइन अंदर की तरफ होगा। क्लियर है? तो दोनों लेयर आपको याद रखनी है। अब एक्साइन में हम लोग देखेंगे, अभी पहले भी हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था स्पोरोपोलिन वगैरह, तो यहां पर लिख लेंगे स्पोरो पॉलिनिन। क्या करेगा स्पोरोपॉलिनिन, जो फैटी एसिड्स होंगे उनका बना हुआ होगा। ठीक है, और स्पोरोपॉलिन
not degraded by any enzyme. बहुत हार्ड मटेरियल होगा ये, किसी कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा. क्लियर है इतनी बात. दूसरी बात, अगर हम टेम्परेचर पीएच कुछ भी चेंज करते हैं, यहां पर लिख लो दूसरा पॉइंट, इफ चेंजेस या इंक्रीजेस टेम्परेचर या डिक्रीज करें हम लोग, या उसका पीएच हम लोग इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उससे भी कोई फर्क नहीं होगा. नॉट अफेक्टेड स्पोरो पॉलिनिन लेयर. ठीक है, तो स्पोरो पॉलिन जो लेयर है उसको वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा. क्लियर है. तो इस तरीके से हमने देखा एग्जाइम जो होगा, कुछ उसके पास प्रोटीन्स भी होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, दे आल्सो हेल्प्स इन द कॉम्पेटिबिलिटी. क्लियर है. तो ये सारी बातें हम लोगों को पॉलन ग्रेन्स के केस में याद रखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दूसरा यहाँ पे एक चीज़ है कि इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत डेंस होगा. यहाँ लिख सकते हैं हम लोग डेंस साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ी किसके बारे में, पॉलन ग्रेन्स के बारे में. अब पॉलन ग्रेन्स में हम लोग देखेंगे कि इनका जो है पॉलन ग्रेन्स का जो आपका जो ये टेट्रास्पोरिनजिएट जो हमने बनाए हैं, या जो टेट्राड माइक्रोस्पोर्स बनाए हैं, है ना, इनका जो है अलग अलग तरीके के शेप हैं, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर हैं. तो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो स्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स वो कितने तरीके का है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग अरेंजमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स और माइक्रो स्पोर. क्लियर है, देखते हैं किस तरीके से होता है. यहाँ पर तो कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे कुछ इस तरीके से. चाहो तो आप ग्रीन से इसको बना सकते हो, है ना, तो कुछ इस तरीके से होगा. तो ये एक सीध में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर. ठीक है, दूसरा ही ऐसे अगर हम लोग देखें लीनियर के बाद में, ठीक है, एक पीछे की तरफ होगा, तो इस तरीके को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल. क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल. ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके के हैं, जैसे है डेकुसेट टेप का, तो इस तरीके से बन जाएगा ये. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द डेकुसेट टेप. डेकुसेट टाइप. ठीक है, दूसरा हम लोग बोलेंगे, एक और होता है टी शेप का, तो टी शेप का देखो इस तरीके से बनेगा. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी शेप्ड. ठीक है, दूसरा आइसोबाइलेट्रल. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबाइलेट्रल. ठीक है, तो इतने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के या जो है अरेंजमेंट अगर देखें उनमें देखने को मिलेगा हमको किसके केस में, पॉलन ग्रेन्स के केस में. अब एक इसका एग्जांपल है जिसमें सारे तरीके के जो है ये टाइप्स पाए जाते हैं, उस प्लांट का नाम अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस. एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में जो होगा ऑल टाइप ऑफ, यहां पर लिख लेंगे, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉलन अरेंजमेंट. ठीक है, यहां पे सारे तरीके का अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा. ठीक है, जो टेट्राड जो जितने तरीके के रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये सारे किसमें प्रेजेंट होंगे, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस.
ठीक है। दूसरी बात, पॉलन ग्रेन का अगर हम लोग देखें, साइज की बात करें, तो साइज यहां पर लिख सकते हो आप पॉलन ग्रेन का 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि और भी कई डिफरेंट टाइप के जो है आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स जो है जट्रोफा वगैरह में हमको देखने को मिलता है, ऐसे ही पॉलीस्पोरियम जो होते हैं यानी कि बहुत सारे जिसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं उनको हम अगर देखें, जैसे कस्कुटा के केस में है ना, तो वहाँ पे हमको 11 एक ही जो है उसमें एक ही बार में हमको लोग 11 जो है करीब करीब पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हैं, आप लोग याद रखिएगा, अदरवाइज कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद में कि जो कुछ बेसिक बातें, जैसे टेक्टम जो होता है, जो ऊपर की लेयर होती है उसमें टेक्टम में अगर हम देखें वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक शेप कुछ टाइप के पॉलन शेप को प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसको एग्जामिन करके एक्सपर्ट बता देते हैं कि पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन जो है किस फैमिली को बिलोंग करता है या किस का पॉलन ग्रेन है। दूसरा एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग प्लानोलॉजी। प्लानोलॉजी का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन ग्रेन, प्लानोलॉजी, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलते हैं पॉलिन किट, अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पॉलिन किट का काम क्या होता है, येलोविश पार्ट कुछ अगर हम लोग देखें वो देखने को मिलता है हमें, जैसे मस्टर्ड वगैरह के केस में, तो वो जो होता है आपका वो कंपेटेबिलिटी वगैरह में भी हेल्प करता है ना, क्लियर है ना। और उसमें क्या होते हैं, लिपिड या कैरोटीनॉइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक तरीके का स्टिकी सबस्टेंस ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अगर हम डिस्कस करें वो कौन सा है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, या इसको एक लाइन में अगर हम बोलें दैट इज द माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, क्या बोलेंगे, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, क्लियर है। यानी कि यहां पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था किसका, पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन में हमने क्या देखा था, यहां पे डेंस साइटोप्लाज्म था, इसके ऊपर स्पोरोडर्म का लेयरिंग था, और स्पोरोडर्म में ये हमने मान लिया क्या है, स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म में क्या था आपका, एक एग्जाइम था और दूसरा क्या था आपका, इंटाइन था। इंटाइन किसका बना होता है, ये भी आपको याद रखना है, तो ये होता है पैक्टोसेलुलोज। पैक्टोसेलुलोजिक होता है ना, और एग्जाइम जो होता है वो स्पोरो पॉलिनिन वगैरह का बना होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस पीछे कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, क्लियर है ना। तो यहां पे ये न्यूक्लियस हो गया इसका, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके केस में कि यहां पे क्या होगा, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो पहला हम लोग इस तरीके से बना लेंगे इसको, यहां पे वैक्यूल्स बनने लगेंगी, ठीक है, ऊपर इसके लेयरिंग है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स बड़ी होंगी, जब वैक्यूल्स बड़ी होंगी तो वो क्या करेंगी, न्यूक्लियस को पुश करना स्टार्ट कर देंगी एक तरफ, तो इस तरीके से देखेंगे यहां पे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को एक तरफ स्टार्ट कर दिया पुश करना, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी,
ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद में क्या होगा, जब ये न्यूक्लियस इधर की तरफ बढ़ेगा उसके बाद यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलेगा कि इसमें डिवीजन स्टार्ट होगा। डिवीजन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेल बन जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द ट्यूब सेल। क्या बोल देंगे इसको, ट्यूब सेल। और दूसरा जो सेल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द जनरेटिव सेल। ठीक है, तो दो सेल्स बनी, कौन कौन सी, एक ट्यूब सेल बनी और दूसरी कौन सी बनी, आपकी जनरेटिव सेल बनी। ट्यूब सेल जो होगी वो कैसी होगी, इरेगुलर होगी, लार्जर होगी, बड़ी होगी। ये कैसी होगी, छोटी होगी, शॉर्ट होगी, छोटी होगी। दूसरी बात, यहां पे क्या होगा, ये अटैच हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है, इसकी वॉल से, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द कैलोज वॉल। यहां पे हम लोग लिख देंगे कैलोज वॉल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद में, कैलोज वॉल के बाद में, कि यहां पे क्या होगा, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल्स, दो सेल्स बनी कैसे, आपका जब जो है आपका स्टार्ट हुआ यहाँ पे क्या, आपका डिवीजन। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जनरेटिव सेल्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ये दोबारा क्या होगा, इनमें डिवीजन होगा। और तो यहाँ पे हमने देखा पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन के केस में साइटोप्लाज्म, स्पोरोडर्म, एक्साइन, एंटाइन प्रेजेंट है। एंटाइन किसका है, पेक्टोसेलोजिक है। दूसरा यहाँ पर वैक्यूल्स हमने देखा, ये न्यूक्लियस है इसका। यहां पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस की वजह से क्या होगा, यहां पर दो तरीके की सेल्स बनेंगी, एक ट्यूब सेल और दूसरी जनरेटिव सेल्स। ट्यूब सेल्स जो होगी इरेगुलर लार्जर होगी, इरेगुलर शेप में होगी, और ये जो होगी जनरेटिव सेल्स होगी शॉर्ट होगी, और दूसरा क्या होगी, स्पिंडल शेप की होगी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये और पुश कर दिया जाएगा वैक्यूल्स के थ्रू, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये टच हो जाएगा और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द कैलोज वॉल। क्लियर, आगे देखेंगे यहाँ पे इसके बाद में जो जनरेटिव सेल्स है वो फिर से डिवाइड होगी, और डिवाइड होके वो क्या करेगी, दो मेल गैमेट बना लेगी। क्या बनाएगी, इट फॉर्म द टू मेल गैमेट। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, ये क्या हो गया आपका ट्यूब सेल, और ये इधर यहां पर क्या हो जाएंगी, दो सेल्स हो जाएंगी, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द मेल गैमेट्स। ठीक है, तो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया। स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें, ये अब क्या, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या, मेल गैमेटोफाइट बन गया आपका। क्लियर है, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। पॉलन ग्रेन यहां पर था, पॉलन ग्रेन जो होगा माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की बात करेंगे, ये इसका स्ट्रक्चर एक्साइन, इंटाइन, पेक्टोसेलोजिक होगा। उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे कि इनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, प्रिकॉशियस। कैसा है, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट है। ठीक है, कैसा डेवलपमेंट है, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा पोलन सैक से ही, है ना, क्लियर है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे वैक्यूल्स धीरे धीरे बड़ी होंगी, बनेंगी, वो क्या करेंगी, न्यूक्लियस को एक तरफ शिफ्ट कर देंगी। उसके बाद हमने देखा यहां पर माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, दो सेल्स बनेंगी, एक ट्यूब सेल बन जाएगी, है ना, और दूसरा कौन सा बनेगा, जनरेटिव सेल बन जाएगा। ट्यूब सेल जो होगा वो इरेगुलर होगा, लार्जर होगा, क्लियर है ना, बिगर होगा, और इसमें क्या होगा, अबंडेंट फूड स्टोरेज भी होगा। तो यहां पर एक पॉइंट और लिखना चाहो आप लोग लिख लो, फूड स्टोरेज। तो अबंडेंट फूड स्टोरेज कहां पर होगा, ट्यूब सेल के पास होगा। दूसरा यहां पर जनरेटिव सेल है, शॉर्ट है, स्पेंडल शेप की है, ये थोड़ा और पुश होता है, तो कैलोज वॉल जो होता है ये यहां पर टच हो जाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे जर्म पोर। ठीक है, क्लियर है, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद में। इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, जो ये मेल गैमेटोफाइट जो बना हुआ है, जो हम लोग बोल रहे हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, जो
इसका स्ट्रक्चर में हम लोग देखें तो ये जब स्टिग्मा पे जाता है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इसके ऊपर आया कौन, ये वाला जो आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है, और यहां पर जो ट्यूब सेल थी, ट्यूब सेल क्या करेगी, ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगी, ये क्या हो जाएगी, पोलन ट्यूब, ठीक है, और पोलन ट्यूब आगे बढ़ती चली जाएगी। अब बोलोगे सर पोलन ट्यूब को फूड कहां से मिलेगा, तो फूड या न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा, स्टाइल की जो सेल्स है ना उन सेल से मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा या फूड मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये इनको खाता जाएगा और आगे बढ़ता चला जाएगा, क्लियर है। दूसरा दो यहां पे और गैमिट थे जो जेनरेटिव सेल से बने थे, इनको हम लोग क्या बोल रहे थे, मेल गैमिट्स, ठीक है, तो मेल गैमिट्स यहां पर प्रेजेंट होंगी, क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या देखा, अगर हम बात करें मेल गैमेटोफाइट की, तो यहां पे हमने देखा जो जनरेटिव सेल्स हैं स्मॉल सेल्स हैं वो कैसे हैं, गैमेट जो हैं वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल, ठीक है, और ये बने कैसे है ना, ये बने कैसे, यहां पर दो नॉन मोटाइल जो गैमेट्स थे फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कैसे बने, तो यहां पे हम लोग देखेंगे एक क्या हुआ आपका, तीन सेल स्टेज आई, तीन सेल का स्टेज का मतलब क्या, एक पोलन ट्यूब वाला ये न्यूक्लियस यहां पर होगा, एक इसका और दो इसका, तो एक जो है आपका क्या है, जो है आपका ट्यूब सेल, और दूसरा आपका क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक है। तो यहां पे कितने डिवीजन हुए, दो डिवीजन हुए है ना, क्या हुआ यहां पर, दो डिवीजन हुए, एक माइटोसिस वहां पर हुआ, दूसरा यहां पर हुआ, तो तीन सेल स्टेज बना यहां पर, क्या हुआ, दो माइटोसिस हुआ, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमने देखा मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में, और कहां पे क्या क्या चीजें जो है डिस्कस की हम लोगों ने, वो सारी आप चीजें देखी रहे हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए, पूछिए वहां पे जो भी आपको कोई प्रॉब्लम वहां पर अगर आ रही है, ओके। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके आगे बढ़ेंगे, ओके, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।